बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार 10 दिसंबर आने वाले मज़ीद दो रोज़ के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान, बालाई इलाकों में सर्दी की शिदत में अचानक से इजाफा होगा। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी पड़ने, सुबह के औकात में कोहरा पड़ने का इम्कान, जबकि मुल्क के मैदानी इलाके धुंध और स्मोक की लपेट में रहेंगे। इसके बाद यानी ख़ास तौर पर 14, 15, 16 और 17 दिसंबर के दौरान बारिशों का एक ताकतवर सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क पर असरानंदाज होगा। इस सिस्टम के तहत जोब, बारखान, कल्लात, खुजदार, नौशकी, चागी, मूसाखेल, शिरानी समेत बहुत से मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मतवक़े। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चित्राल, कोस्तान, एबटाबाद, मर्दान और डेरा इस्माइल खान, सवाबी समेत बालाई और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। सुबह पंजाब के बालाई इलाकों, वस्ती इलाकों और जनूब मगरबी इलाकों में भी बारिश मतवक़े। अटक, चकवाल, मियाँवाली, सरकोदा, लिया भक्कड़, डेरा गाजी खान, मुल्तान समेत फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, जंग, झेलम और सुबह बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश का इम्कान। याद रहे, इस दौरान सर्दी की शदीद तरीन लहर भी मुल्क को मुतासर करेगी। हाज़रों की रिपोर्ट के साथ अल्लाह हाफिज़।